का भोला। है? नाटक प्रतियोगिता है, इस नाटक में तो जरूर भाग लूंगा। मैं अभी जाके सर से बात करता हूँ, इस नाटक का किरदार मैं ही करूँगा। हैंड्स अप। कौन है? मैं हंदा। ये चॉकलेट मुझे चाहिए, दो मुझे दो। तू ठीक नहीं कर रहा है हंदा। मेरा चॉकलेट ले लिया तू, उस नाटक में मैं ही भाग लूंगा, वो किरदार मैं ही निभाऊंगा। इसलिए मैं तेरे साथ रिहर्सल कर रहा था, इसलिए चॉकलेट छीन लिया मैं। चंचल कुमार के पास ऐसा ही एक पिस्तल रहता है, उसकी कहानी बड़ी मजेदार है। आँखों को अगर ऐसे बांध दो तो कहानी और भी मजेदार बन जाएगी। समझा टब्बू? हंदा मेरा आँखों की पट्टी खोल दे, बोल रहा हूँ, वरना ठीक नहीं होगा। हंदा पट्टी खोल दे, मेरा तेरा पट्टी मैं खोलूंगा, भाग यहाँ से। क्यों रे, चल, सर बुला रहे हैं। चंचल कुमार का डायलॉग बोलना होगा, जिसका डायलॉग अच्छा होगा उसी को सारी एक ही नजर देंगे। मैं जा रहा हूँ। तो फिर मुझे भी जाना चाहिए, वरना हंदा मेरे से पहले जाकर। नहीं नहीं, मुझे अभी अभी जाना चाहिए वहाँ। आओ आओ हंदा आओ, पढ़ने आयो हो तुम? हाँ सर। भोंदा ये किताब तुम पढ़े हो ना? भोंदा इस किताब को तुम पढ़ो जरा, देखो जरा पढ़ पाओगे कि नहीं। जी हाँ सर, दीजिए। सूरदय की प्रातकाल को जन्म होता है, फूलों के कलियां खिल जाती है। गुरुवार को सब घर में पूजा करते हैं। रुको रुको, तुम ये सब क्या पढ़ रहे हो? ये तो कविता है। हाँ सर, मतलब नहीं सर। सर ये क्या किताबें पढ़ेगा सर, ये तो घूम घूम कर सिर्फ केक चुराता है सर, इसको पढ़ने नहीं आता है सर। इसका मतलब हर जगह चोरी यही करता है। सुनो हंदा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कविता पढ़ने के लिए ढूंढा हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही होशियार और नेक बच्चे हो। बस बस सर, इतना तारीफ मत कीजिए, मुझे पता है आप कौन सा किरदार मुझे देंगे सर। तो फिर तुम लोग रिविजिंग रूम में आओ। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हंदा और भोंदा तुम दोनों जल्दी जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आ रहे हैं सर। हंदा जाओ, तुम चेंज करके आओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। सर ये तो घोड़े का लिबास है, चंचल कुमार क्या घोड़ा है। ओहो आते मत करो, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी से उन मास्क को पहन के आओ, जाओ जाओ। ओहो देखा हंदा, मैं बन गया चंचल कुमार और तू बन गया मेरा घोड़ा। मर गया मैं, तू कितना भारी है। बुंदा मैं कह रहा हूँ, तू उतर। बुंदा तू बहुत भारी है। चल मेरे घोड़े, चल 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 बहुत भारी है। तू चल मेरे घोड़े, चल उतर, चल 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 उतर, अबे मजा चखा तो, चल 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 चल। दोनों गधे से दिन भर काम करवाते थे, आ
आज मेरा शरीर खराब है, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ नहीं जा सकता, लेकिन तुम दोनों सारे सामानों को सही समय पे पहुंचा देना। उसके बाद दोनों गधे ने अपने सारे सामानों को लेकर रास्ते में निकल पड़े। क्या रे पगलू, अरे थक गया क्या तू? नहीं यार। अरे यार तब चुपचाप क्यों है तू? आए मन खराब है इसलिए? अच्छा मन खराब है तेरा। मन तो खराब होने की बात ही है ये। मेरे पेट पे सोना और तेरे पेट पे चावल है। आए चुप रहेगा तू? एक तो मेरा मन खराब है, तो गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं भी समझ नहीं पाता हूँ बाबू बार बार ऐसा क्यों करते हैं। मुझे तो लगता है कि बाबू तेरे को पसंद नहीं करता है और तुझ पे भरोसा भी नहीं करता है। वो सोचते हैं कि ये काम तुझसे नहीं होगा। समझा ना? वो तो बोलेगा ही, अगर सारा काम तुझसे होगा तो मुझे क्यों रखा है? बोल अपने मालिक को वो मुझे छोड़ दे। हंसा दिया मेरे को, इसलिए तेरा नाम पगलू है। अरे पगलू सबका एक पोस्ट होता है। देख चावल लेकर मैं चलूं? अरे ना ना पगला, ये पोस्ट तो तेरा है। सोने की ये बोरी तेरे लिए नहीं है, इसलिए मालिक ने ठीक करके हमें रखा है। समझा पगला? अरे पगला अब मन खराब मत कर। हे भगवान, मुझे क्या सारा जीवन चावल और गेहूं की बोरी लेकर चलना पड़ेगा? मेरा क्या प्रमोशन नहीं होगा? दे ना भगवान, मेरे को थोड़ा लिफ्ट करा दे। देखा? अरे क्या 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 अरे वो दो गधे देखो सामने से जा रहे हैं। गधे लेकर क्या करेंगे उस्ताद? गधा अपना काम छोड़ के हम लोगों का काम थोड़े करेगा। क्यों, आप मुर्गी पार्टी को नहीं देखकर गधे को देख रहे हो? क्या बात है उस्ताद, उससे कहीं बड़ा गधा तुम है। क्यों? अरे गधे को ना देखकर गधे के ऊपर जो बसता है उसको देख और हमारी बात को ध्यान से सुन। कोई आवाज कानों में आ रही है? हाँ उस्ताद, लग रहा है बोरी के अंदर ना अलंकार वाली सामान है। हाँ तो फिर चल। हाय रुक। ऐ क्या बात है, रुकने को क्यों बोला? ऐ क्या हुआ? चावल है। सचमुच चावल? सच बोल, इस लाठी से दोनों का सर फोड़ कर रख दूंगा। सच बोल रहा हूँ देख लो। सच कुछ नहीं है भाई। तब सोना है। गधे के ऊपर सोना जा रहा है, इसका मतलब यह गधा बहुत काम का है। बोरी के साथ साथ इस गधे को भी ले चलते हैं, हम लोगों का काम का चीज है। उसको ले जाओ, उसको ले जाओ, उसको ले जाओ। पल फाड़, ये है गोपल फाड़। क्यों जी, याद है ना? क्या याद आ गया? याद आ गया, मंगलवार को तुम्हारी दीदी और जीजा आएंगे। अच्छे अच्छे खाने का बंदोबस्त कीजिएगा और हाँ हमारे तालाब का मछलियाँ भी पकड़वाइएगा और बाजार से मिठाइयाँ भी लाइएगा। तब तो बहुत खर्च होगा। तब तो मुझे कर्ज लेना होगा। कर्ज लेना है तो लीजिए, लेकिन हाँ मेरी बहन और मेरे जीजा जी के सामने मेरा बेइज्जती मत करवाइएगा, समझे? मेरी पत्नी समझने वाली नहीं है, कुछ तो करना होगा। पैसे उधार लीजिएगा, लेकिन आपको पता है ना मेरा ब्याज कितना है? ब्याज बहुत ज्यादा है, पर लेना तो होगा ही। दीजिए 10,000। कब चुकाओगे? एक महीने बाद ब्याज के साथ दे दूंगा। हाँ ठीक है। नहीं, एक महीने का बात था, लेकिन तो 2 महीने हो गया। गोपाल का अभी तक कोई खबर नहीं है। एक बार गोपाल का घर जाकर देखता हूँ। मैं जाता हूँ। ठीक है जाइए। ऐसे ऐसे
लोग हैं दुनिया में उधार लेने आ जाते हैं लेकिन पैसे चुकाने का नाम नहीं लेते। मोहन चाचा नमस्ते, आप यहाँ पे हैं? गोपाल, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आया हूँ। एक महीने बाद तुम्हें पैसा देना था लेकिन दो महीने हो चुका। कर्ज लेने से पहले तुम बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे। नहीं, वो घर में कुछ मुसीबतें आ गई थी, वरना आपका 10,000 में दे देता चाचा जी। हाँ हाँ, पता है सभी कर्ज चुकाने के लिए यही बहाना करते हैं। सच सच बताओ कब पैसे दोगे? हाँ ठीक है ठीक है, दो दिन बाद खुद आ जाऊंगा पैसे लेकर। नहीं, आज भी नहीं आया गोपाल, कल जाऊंगा मैं गोपाल से मिलने। आज अगर गोपाल मिल जाए तो उसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। ऐसी बातें सुनाऊंगा कि दोबारा किसी से कर्ज लेना भूल जाएगा। आया मोहन चाचा, ये तो मेरे तरफ ही आ रहे हैं गुस्से में। गोपाल भाग भाग यहाँ से। ये तो गोपाल लग रहा है। गोपाल कहाँ जा रहे हो? सुनो 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 सुनो, मेरे को देख लिया वो, मैं क्या करूँ, भागता हूँ यहाँ से। भाग कर कहाँ जाओगे तुम? हाँ, पलटो पलटो मेरे तरफ पलटो। मैं दे दूंगा। सुनिए, कल सुबह मेरे घर आइए आप, मैं पैसे का बंदोबस्त कर दूंगा। मैं अब चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप आ गए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, मैं आपका पैसे का बंदोबस्त कर देता हूँ, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। मुन्ना, सामान लेकर आप जल्दी आओ। लाता हूँ, ये लीजिए। रख रख, यहाँ रख। बस हो गया मुन्ना, पौधा दो। क्यों गोपाल, पैसे कब दोगे? हाँ, अभी तक तो आपका पैसा देने का बंदोबस्त कर रहा था। ये क्या, तुम तो अभी तक पौधा लगा रहे थे। मैं ये पौधा लगाया हूँ ना, ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा, उस पेड़ में फल होगा, फिर मैं उन फलों को बाजार में बेचूंगा। जो पैसे मेरे पास आएंगे फल को बेचकर मैं अपना कर्ज चुका दूंगा। मैं जो कहा था वो करके दिखा दिया ना मोहन चाचा। सच में गोपाल, तुम भी हद करते हो। फल बिकी कर पैसे मिलेगा, इससे आप कितना खुश हो गए हैं। Thank you.
महाराज विक्रमादित्य, मैंने सुना है कि आप बहुत विद्वान और बुद्धिमान है, लेकिन आप चुपचाप मुझे बुद्धू जैसा कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनते सुनते पथ भी कट जाएगा और पथ का कष्ट भी पता नहीं चलेगा। और कहानी के अंत में एक प्रश्न करूँगा। अगर आप प्रश्न के उत्तर जानते हुए आप चुपचाप रहे तो आपके सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप सही उत्तर दिए तो फिर मैं वापिस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। सुनिए महाराज, बहुत सदियों पहले चंदनपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा था चित्रभानु। उसके राज्य शासन में प्रजा बहुत सुखी थे, इसीलिए नगरवासी बहुत निश्चिंत रहते थे। लेकिन उन लोगों पर एक बहुत बड़ा समस्या था। और एक दिन रहम कीजिए महाराज, मेरे पूरा जिंदगी का कमाई है ये। रहम रहम, और मैं करूंगा? रहम किसे कहते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, ये नहीं है, युवराज दे दीजिए। चल हट। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सच में क्या नसीब है हम लोगों का। इतने अच्छे राजा का ऐसा लड़का, अगर ये राजा बनेगा तो हमारा क्या होगा? और क्या होगा, मरना होगा। महामंत्री, क्या होगा इस बच्चे का? युवराज को लेकर बहुत चिंता है। मेरा उम्र ढल चुका है, उसे राज्य संभालना चाहिए। जी महाराज, जानता हूँ, मन पर मत लीजिएगा महाराज। एक बात कहूँ? बोलो बोलो महामंत्री, निश्चिंत होकर बोलो। महाराज, युवराज को राज्य भर मत सौंपिएगा अभी महाराज। प्रजा युवराज को पसंद नहीं करते हैं महाराज, उनके अत्याचार डर से सब परेशान है। मैं जानता हूँ महामंत्री, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या मैं करूँ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, क्या हुआ है पहरी? युवराज आए हैं। भेजो। जैसी आज्ञा। प्रणाम पिताश्री। क्या हुआ है, किस लिए आए हो तुम? पिताश्री, कल सुबह मैं शिकार पे जाऊंगा, इसीलिए अनुमति लेने आया। क्या जरूरत है, जाओ जल्द वापिस आना। युवराज, आपके जाने का तैयारी कर देता हूँ मैं। पहाड़ी कोई है? रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या? नहीं नहीं, मिर्गया में जाना है आपको, साथ में दास दासी पहली भेज दो। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा शिकार पे। क्या बोल रहे हो तुम? मंत्री की बातें मानो, तुम्हारे जाने से मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा मैं। ये सब आयोजन आपके लिए है पिता, मैं क्षत्रिय वीर हूँ, पहरियों के बीच में शिकार करना मुझे पसंद नहीं है, मैं अकेला ही जाऊंगा। युवराज सुनिए, युवराज सुनिए। रहने दीजिए, अकेला जाओ तुम, लेकिन ये ध्यान रखना तेरा घमंड तेरे रास्ते में ना आए। चलता हूँ मैं।
खाली हाथ जाऊंगा। क्षत्रिय वीर होकर खाली हाथ नहीं, नहीं कभी नहीं। थोड़ा घूम कर देखता हूँ, अगर कोई जानवर मिल जाए तो। वाह बहुत सुंदर है ये चिड़िया। ये नहीं, मत मरो उसे। कौन है, कौन है आप? उसे तुम मत मरो। चले जाइए यहाँ से, मुझे मत रोको। मेरा बात सुनो, ये महापाप है। मैं क्षत्रिय वीर हूँ, शिकार करना हमारा धर्म है। जाओ यहाँ से जाओ। सुनो सुनो, मानो मेरा बात। इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मेरे बातों का उल्लंघन किए। मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ, अभी तुम जंगली बंदर बन जाओगे। यदि कभी तुम्हें सच्चा व्यक्ति मिले और वो तुम्हारा अपराध माफ करे तो तब तुम मुक्त हो जाओगे, वरना तुम जिंदगी भर ऐसे ही जंगली बंदर बनकर जंगल में घूमते रहोगे। ना जाने कहा है वो, कितना समझाया मैं उसे, अकेले मत जा, लेकिन बात नहीं सुनता। आप चिंता मत कीजिए महाराज, युवराज वापिस आ जाएंगे। सुने हो तुम, युवराज मेरे गया से वापिस नहीं आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। क्या बात है, जाने दो, छुटकारा मिला। सभी तो बहुत खुश हो गए, लेकिन मुसीबत में पड़ा तो वो। हाँ जग्गू सुन, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गया है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? चलो अच्छा हुआ है, चोरी नहीं करेंगे। पूरा दिन जो मेहनत से काम करूंगा वही खा के आराम से सोऊंगा। अभी सोने दे, परेशान मत कर। क्या क्या, हम लोग मेहनत करके खाएंगे? फिर से तू सो गया, गुरुदेव की बातें भूल गया? कैसी बात? ओह गुरुदेव बोले थे ठंड के मौसम में जब रात में सब सो जाए तब चोरी करना। चोरी? हाँ, दिन रात राजा के पहर ही रहते हैं, अगर पकड़ा गए तो मारे जाएंगे जान से। ओह हो हो, इतना डरता क्यों है तू? तू फिर से सो रहा है, उठ 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 उठ। ओए बात, इतना परेशान करता है तो मुझे। चल ना, दोनों हाथ खुजला रहा है, कितना दिन हाथ साफ नहीं किया हो बता। सुन ना, उठकर बैठ, हम दोनों बैठकर कुछ सोचते हैं। ओह मुझे सोने नहीं दिया तू, बोल क्या बोल रहा है? मुझे भूख लगा है। हाँ हाँ हाँ, तू सिर्फ खा और सो। खाली पेट दिमाग काम नहीं करता है, पहले कुछ खा लेता हूँ। उफ, पूरा दिन खाना खाना और खाना, मैं कितना दिन से भूखा हूँ। जंगल जंगल घूमकर और कितना दिन तक फल खा के रहूंगा। चावल खाने का मन कर रहा है, जाऊं जाऊं जाकर एक बार देखता हूँ अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। बंदर बंदर बचाओ बचाओ बचाओ। डरपोक कहीं का? ओह हो, जरूर इसे भूख लगा होगा। ये ले ले ले, खा खा खा, पेट भर के खा। एक बात कहो तुझे, अगर इस बंदर को अगर हम लोग काम में शामिल कर ले तो। हाँ? वाह 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 वाह, ठीक कह रहा है तू, कर लेंगे इसे हम अपने काम में शामिल, अब हमारी समस्या मिट जाएगी। मेरी बात सुन, कल से हम लोग पूरे शहर में इसे लेकर खेल दिखाएंगे। सब हम लोगों को सोचेंगे कि हम लोग खेल दिखाने वाले हैं। खेल दिखाने के बाद रात के अंधेरे में
हम लोग इससे चोरी करवाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, हम लोग घर में रहेंगे और ये बंदर राजाओं के घर जाकर सोना चांदी हीरे मोती सब चुरा के लाएगा, एक धागा भी नहीं छोड़ेगा। सुन सुन, अब उसे बांध कर रख, फिर कल सुबह से काम शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा, अब हमें खाने के तलाश में कहीं नहीं जाना होगा, रोज पेट भर खाना खाएं। देख 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 बंदर, देख 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 बंदर का खेल, आइए आइए खेल देख कर जाइए, आइए आइए बंदर का खेल देख कर जाइए, आइए आइए। देख 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 बंदर, देख 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 बंदर का खेल, देखो देखो देखो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बंदर का खेल। ओए ओए, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, समझ से हट जाओ, सब हट जाओ, सब हटो 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 हटो, सामने से हटो सब, चलो 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 चलो, ये रास्ता दो रास्ता दो। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। प्रहरी, इन खेल वाले को घर पे लेके आइएगा, हम ना रोज अपने घर पे खेल देखेंगे। ठीक है ठीक है। ए, सुनो, कितना बड़ा महल है ये, किसका है? ये सेनापति का महल। कितना सुंदर है। हाँ, तुम लोग खेल दिखाते हो। हाँ, हम लोग खेल दिखाते हैं। सुनो, मेरे बेटे को तुम लोगों का खेल बहुत पसंद आया है, इसलिए रोज सुबह आना खेल दिखाने, समझे? जी, हम लोग जरूर आएंगे। आप हम लोग जाएं? क्या बोल रहा है तू? सेनापति के घर चोरी करेगा? नहीं नहीं नहीं, हम लोग क्यों पकड़ाएंगे? चोरी करेंगे तभी ना पकड़ाएंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। क्या भूल गया तू? चोरी करेगा बंदर और हम लोग माला माल हो जाएंगे। क्या? सेनापति का घर पूरा साफ कर दिया ये बंदर। बंदर कमाल कर दिया है। ये बंदर बहुत कमाल का है, दिमाग हो तो ऐसा। महाराज महाराज, गजब हो गया है महाराज। क्या हुआ है सेनापति, आप इस अवस्था में राजसभा में? इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास महाराज। क्या? सब सब चोरी हो गया महाराज, सब चोरी हो गया, मेरा कुछ नहीं है, सब ले गया, सब ले गया। हाँ, चोरी, मेरे राज्य में चोरी? महामंत्री, अभी जाके पता लगाओ इतना बड़ा हिम्मत किसका है, मेरे राज्य में चोरी? जग्गू मंदिर के अंदर गहना देख रहा है, कैसे चमक रहा है। सच बोल रहा है तू, आंख झिलमिला जा रहा है। माथे का मुकुट देख रहा है। क्यों रे, मैं जो सोच रहा हूँ वो तू ही सोच रहा है क्या? हुँ? ये भी कोई कहने की बात है? तो आज रात में ही। हे
सावास, सावास। अब कोई चिंता नहीं है, अब इस गहने को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से पूरा जिंदगी चल जाएगा। चल अब जाके सो जाते हैं, कल सुबह सुबह सुनार के दुकान जाना होगा। उसके बाद इस राज्य को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे हम लोग। चल चल सो जाते हैं, चल चल जल्दी चल। क्या है दिखाओ, जल्दी दो, क्या लाए हो तुम लोग? ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ हाँ, जिंदगी में देखे हो इतना गहना? कितना वजन हुआ तुल के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, आफे आफे अभी तोलता हूँ, लेकिन इतना नगद नहीं दे सकता, इतना पैसा अभी मेरे पास नहीं है। तो रहने दो, हम लोग जा रहे हैं, ही और बेचेंगे। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? जरा रुक जाओ, मैं अभी घर से लाता हूँ, कहीं मत जाना। ठीक है, जल्दी आना, देर मत करना। हाँ 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 हाँ, अभी अभी आ रहा हूँ। तुम सुनो, इन लोगों को बातों में फंसा के रखो, जाने मत देना। निश्चिंत रहिए आप महाराज, सुनार जी आए हैं आपसे मिलने, एक जरूरी काम है उन्हें इस समय। ठीक है, अंदर भेज दो। प्रणाम महाराज। क्या हुआ आपको, बोलिए। देखिए महाराज, इस हार को आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये हार, इसे तो मैं अपने युवराज के जन्मदिन पर किशन जी के गले में पहनाया था, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? महाराज महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ है पुजारी? महाराज, श्री कृष्ण के मूर्ति से सारे गहने लौट गए महाराज। अब समझे महाराज। पहरी, इधर आओ। महाराज, मैं खुद जाऊंगा उन चोरों को पकड़ने, चलो मेरे साथ। हम पकड़ आ गए। बचाओ, हमें छोड़ दो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ दो हमें। चल चल, चोरी करते हैं, चल चल राजा के पास, चल चल राजा के पास। इतना बड़ा हिम्मत, सेनापति के घर चोरी किए हो, मंदिर से गहना चोरी किए हो। अब दोबारा नहीं करेंगे महाराज, हमें माफ कर दीजिए महाराज। कोई माफी नहीं। पहली, इन्हें अभी काल कोठरी में ले जाकर इन दोनों को बंद कर दो, जाओ और इस बंदर को भी ले जाओ। नहीं, उसे बगीचे में छोड़ दो, देखना उसके खाने पीने में कोई तकलीफ ना हो। अरे ये क्या, ये कैसा चमका महाराज, ये क्या? आज मेरा अभी शराब मुक्त हो गया पिताजी, एक लीसी की अभी शराब से मैं बंदर बन गया था, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया, मैं अब कभी भी अपने तक का अहंकार नहीं करूंगा, अब किसी पे अत्याचार नहीं करूंगा, जीव हत्या नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए पिताश्री। जैसे दोनों चोरों को काल कोठरी की सजा मिली, वैसे युवराज को राजा सजा क्यों नहीं दिए है, बोलिए महाराज। बेताल महाराज, जिस वक्त दोनों चोरों को सजा दिए थे, उस वक्त
युवराज एक बंदर के रूप में था। दोनों चोर उस बंदर से चोरी करवा रहे थे। महाराज सोचे कोई भी जीव बिना कष्ट के चोरी नहीं करेगा, इसलिए उसे माफ कर दिए। अभी शराब से मुक्त होकर युवराज अपने रूप में आ गए, इसलिए युवराज का कोई गलती नहीं था। महाराज जो किए है सही किए है। इसलिए अब मैं चला महाराज। Ha 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 ha